उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दो पुलिस वालों सहित छह लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल मामला पुलिस कस्टडी में एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने का है। इन दोनों पुलिस कर्मियों को निलंबित करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। आरोप है कि इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी के शक में एक युवक की थाने लाकर बुरी तरह पिटाई कर दी और उसके बाद उसे छोड़ दिया। गुलशन और सुमित और इमरान बहुत बेरहमी से पिटा था इन्होंने। क्या चाहते हो? सर मैं इंसाफ चाहता हूँ, किसी नाजायज को अगर सजा मिलेगी ऐसा तो गलत होगा ना सर। अच्छा, आपको सिंगल उठाया था, कोई और भी था? नहीं, साथ में एक भतीजा और है सर, हम दोनों काम पे जाते हैं, रोज आते हैं। दोनों को पीटा है? दोनों को पीटा है। घायल युवक का वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है और इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक और स्थानीय लोग थाने पहुंच गए हैं, जिसके बाद दोनों सिपाहियों को निलंबित करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना मुरादाबाद के ठाकुर द्वार कोतवाली की है। अधिकारी जफर साहब के द्वारा मिली कि ऐसे ऐसे वार्ड नंबर 18 के लोगों के साथ एक वीडियो उन्होंने मुझे डाली कि पुलिस ने ये जाते करी है। क्या बर्बरता सामने आई? पुलिस जो उनके चोटों के निशान देखकर मेरे भी मन में बड़ी उदासी आई। मैंने तत्काल कप्तान साहब को वो वीडियो भेजी। कप्तान साहब को मैंने पूरी बात संज्ञान में डाली। कप्तान साहब ने कहा विधायक जी परेशान मत हो, इनके परिवार का नंबर दो। कप्तान साहब ने इनके परिवार से बात करके और मुझसे कहा कि मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा जो थाने की नज़ीर बन जाए। मुरादाबाद के ठाकुर द्वार कोतवाली इलाके के रहने वाले पीड़ित इरशाद के मुताबिक वो ई रिक्शा बनाने की फैक्ट्री में काम करता है। 27 अक्टूबर को गुलशन, सुमित और इमरान नाम के सिपाही पुलिस की जीप लेकर ई रिक्शा फैक्ट्री पहुंचे और वहां काम कर रहे इरशाद और उनके भतीजे शाहरुख को पकड़कर पुलिस की जीप में बिठा लिया और थाने ले आए। पीड़ित का कहना है कि उन्हें थाने के अंदर मुख्य द्वार से नहीं ले जाया गया क्योंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए पुलिस वाले उन्हें थाने में पीछे के रास्ते से अंदर ले गए और एक कमरे में बंद कर उनकी पिटाई कर दी। पट्टे से पुलिस वालों ने इतनी पिटाई की कि जख्मों के निशान इरशाद के शरीर पर साफ दिखाई दे रहे हैं। जब इरशाद ने जुर्म कबूल नहीं किया तो पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। पुलिस वालों की करतूत जब आला पुलिस अधिकारियों को बताई गई तो उसके बाद एसएसपी मुरादाबाद के आदेश पर दोनों सिपाहियों को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दो नामजद सिपाहियों सहित छह लोगों के खिलाफ कोतवाली ठाकुर द्वार में मुकदमा दर्ज किया गया है। जब ठाकुर ने प्रारंभिक जांच करी इसमें तो ये पाया कि इमरान जो है वो लेके लोगों को आया था एवं थाने में इनके साथ में मारपीट करी गई है। ठाकुर द्वारा पे इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं इसमें दो जो पुलिसकर्मी हैं, एक इमरान और गुलशन, उनके खिलाफ है एवं एक प्राइवेट आदमी है शकील और दो तीन अन्य व्यक्ति हैं उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। इमरान और गुलशन के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है एवं इनको निलंबित कर दिया गया है एवं जो अभियोग पंजीकृत किया गया है उसमें आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल इस मामले में छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच ही जा रही है, तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।